नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लेट्स हेल्प चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 600 से भी ज्यादा गरीब बच्चों को फ्री नोटबुक वितरण किया गया। कार्यक्रम के आयोजक वीरेन मधानी ने बताया कि यह ट्रस्ट हर साल गरीब बच्चों को फ्री नोटबुक और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री वितरण करती है, साथ ही मेडिकल के क्षेत्र में भी लोगों को मदद करती है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लास्ट 3 साल से ये नोटबुक वितरण कर रहे हैं। हर साल हम लोग करीबन 700-800 बच्चों को नोटबुक फ्री में दे रहे हैं और इस बार भी करीबन लास्ट टाइम के मुकाबले 600-700 बच्चे आए और लेट्स हेल्प चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये नोटबुक वितरण होता है। मेरा दूसरा ट्रस्ट श्री स्वामी समझ चैरिटेबल ट्रस्ट है। लास्ट दो साल से मैं स्वामी समझ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नोटबुक वितरण करता हूँ। इस बार लेट्स हेल्प चैरिटेबल ट्रस्ट के निजा हेतर नोटबुक वितरण किया है। मैं उम्मीद करता हूँ नोटबुक, हम लोग सिर्फ नोटबुक बांट रहे हैं, अगले साल हम स्कूल बैग, पेन, जो भी स्कूल में ज़रूरत रहती है वो सब चीज़ बांटे और हमारा आने वाला इंडिया का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे पढ़ लिख के अच्छा पढ़ाई करें। और मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, किसी को भी स्कूल फीस या दवाई का या खाने पीने का प्रॉब्लम है तो हमारे ट्रस्ट को या हमारे ट्रस्टी लोग को संपर्क करें। इसके अलावा आपकी संस्था क्या-क्या करती है? हमारी संस्था इसके अलावा सबसे ज़्यादा तो काम स्कूल में कॉलेज के लिए करती है, उसके बाद जो भी सरकारी हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल में खाना पहुँचाती है, जो भी गरीब बच्चे फुटपाथ पे रहते हैं उनको खाना पहुँचाती है, ठंडी में हम लोग सबको ब्लैंकेट देते हैं, फिर बारिश में हम लोग ट्रैफिक पुलिस के लिए रेनकोट देते हैं और छाता वितरण करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के लिए आप लोग रेनकोट जो देते हैं उस पे आपकी संस्था वगैरह का कुछ स्लोगन वगैरह लिखा रहता है? या हाँ, लेट्स हेल्प चैरिटेबल ट्रस्ट का उसके ऊपर प्रिंट हुआ रहता है और बस, और ये धूप में हम लोग ट्रैफिक पुलिस और नॉर्मल पुलिस के लिए चश्मा वितरण भी करते हैं। मुंबई वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता के लिए हम ऐसे ही जिससे जितना हो सकता है, जिसके जितनी ताकत है उतने दूसरे को मदद करो और लोगों का अच्छा भला हो सके वो भला करो। एरिया में पिछले कई सालों से आपको देखा जा रहा है सामाजिक कार्य करते हुए, लोगों की नजरों में आप एक मसीहा के रूप में आते हैं, लेकिन चुनाव मैदान में भैया हमारे से सीनियर काफ़ी अच्छे लोग हैं और जो उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया हुआ है, अभी हमारा नंबर नहीं लगा। अगर आप लोग का सबका साथ सहयोग रहेगा तो आने वाले दिनों में हमारा नंबर लगेगा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। वीरेन भाई ने स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए ये फ्री में नोटबुक का वितरण किया है, उनसे हमारे आने वाले बच्चों को पढ़ने में काफ़ी सुविधाएं होंगी और मैं इसके लिए तहे दिल से वीरेन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।